हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए इस बार हम बात करने वाले हैं उन छोटे प्यारे वीडियोस की, उन क्लिपिंग्स की, उन मोमेंट्स की जो SS3 के टाइम में हमको दिखाई दिए हैं और गाने के अलावा दिखाई दिए हैं। और फरमाइश जो की गई थी मीनाक्षी शेषाद्री ने जो की थी उनकी भी बात मैं यही शामिल कर रही हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ रिव्यू में। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। मजे तो बहुत आए, अच्छा भी लग रहा था। शुभ और अरुणिता जब गाना गा रहे थे उसके बाद फिर मीनाक्षी शेषाद्री ने अरुणिता को बड़े सारे आशीर्वाद दिए और ऐसे में सलमान अली एकदम से खड़े हुए और बोले कि देखिए मेरी नजरों को, अरुणिता की हाथ की मेहंदी पर जा रही है। एंड आई वॉज लाइक अच्छा। एंड अरुणिता बोले कि हाँ, पूरी दुनिया में बहुत सारे काम है, उसमें से आपकी नजर अगर कहीं गई है तो मेरे हाथ की मेहंदी पर गई है। आई सेड यस। ये हुआ करारा जवाब टू सलमान। हालांकि सलमान ने बोल दिया कि आप मुझे सलमान अली की जगह देवर अली भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, किसी को अपना नाम चेंज करना है, किन्हीं दो तीन लोगों के लिए तो मैं क्या कहूं। मैं तो बोलूंगी पॉपुलैरिटी है दो लोगों की। बाकी तो आप समझ गए होंगे। एनीवेज, उसके बाद फिर हर्ष ने ना पवनदीप को छेड़ा, ये जो सब तुम्हारे ये लड़ाइयां चल रही है ना अरुणिता और सलमान के बीच, दैट्स बिकॉज ऑफ यू। मुझे लगा पवन क्या कहने वाला है। पवन बोलता है सॉरी भैया, एंड बात खत्म। मतलब दो शब्द और बात खत्म, टॉपिक किल कर दिया। ये होती है, आई तो थॉरली लाइक डेट। तुम ना सॉलिड जा रहे हो पवन, इतने समय बात खत्म कर देते हो, टॉपिक ही खत्म कर देते हो यार। आगे कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। अब ऐसे में ना मीनाक्षी शेषाद्री सेट की उनको डांस करना है, मतलब ये लेजर एंड पवन का गाना जब हुआ था उसके बाद, एंड पवन के साथ वो डांस करती हैं, फिर अरुणिता स्टेज पर होती हैं तो वो हर्ष के साथ डांस करती हैं और फिर इन दोनों को डांस करवाया जाता है। एंड आई थॉरली एंजॉयड दिस मोमेंट। इट वॉज अ क्यूट मोमेंट। अभी तक के जितने भी मोमेंट्स हुए हैं पवन एंड अरुणिता यानी अरुदीप का मोमेंट, दिस वॉज अभी तक का हाइएस्ट पॉइंट, दोनों को साथ में डांस करते हुए देखना। एंड ऐसे में ना पवनदीप को देखना, ओके, इस पूरे मोमेंट को उन्होंने थोड़ा सा फनी बना दिया। इसे कहते हैं प्रॉपर एस्केप कर जाना टॉपिक को, मतलब टॉपिक किल कर देना। ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा दिखाएंगे कि हाँ मुझे डांस नहीं आ रहा है, मैं मीनाक्षी जी के साथ भी डांस नहीं कर पा रहा हूँ और अरुणिता के साथ भी गड़बड़ कर रहा हूँ। मतलब वो एक्सप्रेशन में ना आपका ध्यान ऐसे भटकाता है टॉपिक से, वाह निकल जाती है दिल से। आई एंजॉय दिस डांस, ओके, डजंट मैटर। अरुणिता इज अ वेरी गुड डांसर। पवनदीप ऑल्सो आई थिंक ही इज लर्निंग सम स्टेप्स, बॉल डांस, वॉल्यूम डांस जो है उसको लेकर। बट यार मजा बहुत आया देखकर, इट वॉज टू गुड। एंड फिर अरुणिता और शुभ को बुलाया गया और उसके बाद उनसे एक बंगाली सॉन्ग इनफैक्ट गाया गया और इट वॉज अ बाउल सिंगिंग। और बाउल सिंगिंग मैंने अभी तक जितनी भी सुनी है, चाहे वो पार्वती बाउल सिंगर जो है वहां पर सुनी हो या फिर बहुत सारे लोगों की और भी सुनी है, यार इतनी मीठी बाउल सिंगिंग मैंने सुनी ही नहीं। मतलब जहां पर शुभ अपनी आवाज में एकदम, उसकी आवाज ना बहुत निर्मल है, तो वो निर्मल आवाज में, कोई बिना प्रभाव वाले आवाज में वो गा रहा था, एंड अरुणिता के कागज के दो पंख लेके। यार एक्चुअल सिंगर की बात अलग है, लेकिन अरुणिता की बाउल सिंगिंग यार क्या बात है। मतलब मुझे सच में ऐसा लगा कि यार इतना मीठा कोई बाउल सिंगिंग भी कर सकता है तो वो शायद अरुणिता ही कर सकती है। यार अरुणिता और क्या क्या छुपा कर रखा है अपने पास, और क्या क्या संगीत के खजाने ऐसे ओढ़कर लाती हो, थोड़ा सा दिखाओ और बताओ, मजा आएगा तुम्हारे अलग अलग स्वरूप को देखने में। व्हाट अ ब्यूटीफुल बाउल सिंगिंग यार। मोंटारा गाना गाया था एंड टू गुड यार, दिल खुश कर देता। ओके, उसके बाद फिर पवनदीप को बोला गया कि चलो एक पहाड़ी गाना गाया जाए, एंड पवनदीप एकदम अपने मूड में आया, एकदम जेट वैकेट निकाली और पहाड़ी टोपी पहनी और फिर पहाड़ी गीत गाया। इफ आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम पवनदीप हैज एवर डन ऑन SS3, एंड ऐसा लगा ना वापस अपने पुराने स्वरूप में आ गया पवनदीप। तुम बहुत क्यूट लगते हो, बहुत ही क्यूट लगते हो, दिखते बड़े प्यारे हो, बहुत ही स्वीट से लगते हो, लेकिन जब तुम पहाड़ी टोपी पहनकर गाते हो ना तो तुम्हारी क्यूटनेस 10 times बढ़ जाती है। हेयर स्टाइल अच्छी है लेकिन तुम्हें ना पहाड़ी रूप में देखने में बहुत मजा आता है।
keep that pahari fun and that pahari topi on your head. बहुत अच्छा लगता है. Anyways, शो है तुम्हारी अपनी खुद की choice है, शो वालों के directions है, लेकिन personally speaking तुम्हें पहाड़ी टोपी में गाना गाते देखना बहुत अच्छा लगता है. और फिर वो चंबे वाला जो गाना है वो तो है ही बहुत सुंदर. सच में ऐसा लगता है कि ना तुम्हारी आवाज ऐसे पहाड़ों से टकरा कर एको जो आता है ना, तो वो जो एको बहुत मीठी आवाज का एको भी मीठा होता है. तुम्हारी तो आवाज ही मैजिकल है. ऐसा लगता है पहाड़ के तुम पहाड़ी मायावी शक्ति को ऐसे निचोड़ कर अपने गले में डाल लेते हो और फिर वही लोगों के सामने लेकर आते हो. यार ये पवन अरुणिता जैसे सिंगर्स ना इस दुनिया में थोड़े बिरले ही मिलते हैं. उनको पकड़ कर रख लो और सारा टाइम गाना गवाते रहो. एंड देन साइली का गाना, उफ रेशमाचा धागानी, यार क्या मसाला डाला. मतलब आई थिंक मसाला मीनाक्षी शेषाद्री ऑल्सो सेड कि क्या मसालेदार गाना है. मैं सच बोलूं ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे नखरे जितने भी इस दुनिया के नखरे ना सब साइली ने ऐसे चुराए और अपने गाने में डाल लिए. यार क्या गाया है यार. आई मीन इंडियन आइडल 12 के अगर तुम टॉप 3 हो तो यू डिजर्व एंड यू नो एंड एवरीबडी नोज वाई यू आर 1, 2, 3. बिकॉज आप हर साल प्रूव करते हो कि यार साइली तू क्या गाय ली. बहुत ही वो लाइन थी बट मैं फिर भी बोल रही हूँ साइली तू क्या गाय ली. यार ये तो इन लोगों की आवाज का नशा है, असर है, क्या बोलो. अब आप बताओ मैं क्या बोलू इस पूरे एपिसोड के बारे में, इसके रिव्यू के बारे में, और मेरा जो रिव्यू का पार्ट 2 है इसके बारे में. जरा लिख कर बताइए. जय हिंद.